नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल अनिकेत NCERT पे। और पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर नंबर 1 है और आपकी क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट्स। मैं आज आपको इस वीडियो में नोट्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। मैंने जो नोट्स रखे हैं वो PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखे हुए हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट नोट्स। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपकी कम से कम 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने इन नोट्स को किस तरीके से पढ़ना है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है सॉलिड स्टेट्स। अब आप लोगों ने सॉलिड्स पढ़े हैं कि सॉलिड्स की है जो होती है वो डेफिनेट शेप एंड साइज होती है, एंड मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दी है, मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब जैसे ही हम आगे जाएंगे, ये आपने पढ़ा है। अब सॉलिड्स के टाइप आते हैं एमर्फस एंड क्रिस्टलाइज। यहाँ से एक डिफरेंस आपको एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि एमर्फस क्या होते हैं, इनका इरेगुलर अरेंजमेंट्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज आपने इन नोट से पढ़ लेनी है। आइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है, कि ग्लास क्यों कंसीडर किया जाता है सुपर कोल्ड। और यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से डिफरेंस पूछा जाता है एमर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ये प्रॉपर्टीज है, ये आपने लिख लेनी है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। और अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब कई बार यहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है। आयनिक सॉलिड्स से आपसे यहाँ पे 1 मार्क्स से पूछ लिया जाता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होती है आयनिक सॉलिड्स के। अब आप लोगों को पता है आयन क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट मीन्स कैटायंस एंड एनायंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये भी आपके लिए यहाँ से 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं हालांकि आपको लेक्चर्स भी दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि नोट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम आगे की ओर जाएंगे। यूनिट सेल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट सेल, हम यूनिट सेल के बारे में यहाँ पे ज़्यादा पढ़ेंगे कि ये स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का। अब आप लोग देखिए, क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे याद रखिएगा कि क्रिस्टल लैटिस आपके 14 होते हैं और क्रिस्टल सिस्टम आपके 7 होते हैं, 7 होते हैं। अब जैसे कि आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्यूबिक और रोम्बिक। मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगा, कटो मत रहा है, ये एक ईजी ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे है क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक। अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर को, जो क्यूबिक की है, जो तारी गई है, A=B=C, α=β=γ=90°। अब फोर्थ देखेंगे आपके ट्राइक्लिनिक। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसमें फोर्थ में कोई भी बराबर नहीं है। तो कई बार यहाँ से पूछा जाता है मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा है, तो आपने क्यूबिक लिखना है और अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक। और ये भी आपके इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया, सिंपल क्यूबिक सेल्स कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। थोड़ा फास्ट है, वीडियो काफ़ी लंबी ना बनते। और PDF पासवर्ड आप लोग नोट कर लीजिए, ani@123। अब पैकिंग एफिशिएंसी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे कैलकुलेशंस कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज क्या होती है। और 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCCC। आप पेज नंबर नोट कर लीजिएगा, 11 के आसपास है ये पेज। तो अब यहाँ पे हम आगे की ओर आते हैं। रेडियस रेशो, रेडियस रेशो होती है आपके रेशो आपके टायर अपॉन रेशो ऑफ एनायन। ये भी आप लोगों का टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। रेडियस रेशो टेट्राहेड्रल की क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल्स की। कई बार यहाँ से प्रेफरेंस भी पूछ लिया जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पे CBSE के लिए मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल यहाँ से इंपॉर्टेंट रहता है और आपके लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं। डिफेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहला आपको इंपॉर्टेंट डिफेक्ट बता दूँ, स्कॉट की डिफेक्ट आपको हमेशा पूछा जाएगा और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब स्कॉट की डिफेक्ट में आप देखिए AZBR लिखा हुआ है और फ्रैंकल डिफेक्ट में भी आपको AZBR लिखा हुआ है। तो कई बार पूछ लिया जाता है विच डिफेक्ट सो बोथ कंपाउंड, तो अब आप लिखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड कैन बी सो बोथ स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अब नॉन सिस्टमेटिक मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम से। और एफ सेंटर भी है इस पेज पे, पेज नंबर 20 पे, ध्यान रखिएगा एफ सेंटर, उसे ज़रूर पढ़िएगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है मैग्नेट, जैसे कि ये कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर, इनकी कंडक्टिविटी रेंज आपसे पूछ ली जाती है जो आप लाइन डिफेक्ट्स में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आ जाता है एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर टॉपिक में, एन टाइप एंड पी टाइप्स में। अब बैंड थ्योरी आती है आपकी, जैसे कि बैंड थ्योरी है यहाँ पे, गुड कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड ये भी आप लोग इसमें पढ़ेंगे। और ये आपका लास्ट टॉपिक है एंटी फेरोमैग्नेटिक्स का। यहाँ तक आपने नोट्स को पढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले नोट्स केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।